झुंझुनू जिले में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही झुंझुनू में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 184 हो गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर सीएल गुर्जर ने बताया कि जिले में अब तक 10,630 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 10,293 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 126 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और इनमें 109 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 67 नेगेटिव हो गए हैं और अभी तक 47 को डिस्चार्ज कर चुके हैं। और इसके साथ में आज सुबह सुबह जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और 7 में से 5 हैं वो मुंबई से आए हैं और 2 उसमें जयपुर से आए हैं। और इसके कल हमारे बीडीके हॉस्पिटल में एक कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई है, वो बाई बर्थ जन्म से ही एपिलेप्सी का पेशेंट था, जन्म से मृत्यु आती थी और स्टेटस एपिलेप्टिकस के कारण से कोरोना पॉजिटिव केस का की डेथ हुई है। अभी प्रवासियों के लिए जिले में जो भी चेक पोस्ट हैं उन सभी चेक पोस्टों पर हमारी टीम स्क्रीनिंग कर रही है, जो भी उसमें ILI के जिसमें सिम्टम आते हैं उस सभी के सैंपल ले जाते हैं और उसके साथ में बाकी को होम क्वारंटाइन के लिए प्रॉब्लम किया जाता है।